हेलो दोस्तों, देखिए मेरे घर में नया चूल्हा आ चुका है। फोर बर्नर बर्नर का चूल्हा है, बहुत ही अच्छा चूल्हा था। देखिए नए चूल्हा का हमने अपने घर में स्वागत कैसे किया, नए चूल्हा का हमने पूजा कैसे किया, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी और कहा जाता है अन्नपूर्णा माँ विराजमान रहती हैं। तो फिर मैंने उसका कैसे पूजा किया और नए चूल्हा आने के खुशी में हमने खाना क्या क्या बनाया, कैसे बनाया, ये सब आप मेरी इस वीडियो में देखिए। और देखिए अपने अपने चूल्हा पर प्यारा सा स्वास्तिक का निशान बना करके हमने उस पर अक्षत भी। नया चूल्हा जब आप अपने घर में रखते हैं तो सबसे पहले आपको मीठा ही अपने चूल्हे पर बनाना चाहिए। देखिए मैंने सूजी का हलवा बहुत ही टेस्टी सा अच्छा सा बना करके तैयार कर लिया था। हमने दो चूल्हा पर देखिए दूध भी चढ़ा लिया था। और देखिए चार चूल्हा है और चारों चूल्हे पर बड़े बड़े नॉर्मल बर्तन बड़े आसानी से रखे जा रहे हैं। तो ये चूल्हा बहुत ही अच्छा। इधर मैं छोले का मटर का छोला हमें बनाना था, उसका मसाला मैं तैयार कर रही हूँ। और हमारा खाना बहुत ही जल्दी और फटाफट बन करके तैयार हो गया था। ये फूली फूली पूड़ियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, ये बन गया हमारा छोला। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर से ज़रूर किया करिए। ये देखिए है मटर का छोला हमने आरा बन करके तैयार हो गया। ये है सूजी का हलवा जो खाने में बहुत ही अच्छा बना हुआ, तो बहुत फटाफट बन करके तैयार हो गया। चूल्हे का फ्लेम भी बहुत ही अच्छा है। और ये रही पूड़ियाँ, सादी पूड़ी जो कि हमने बना करके, मैं अब जा रही थी नाश्ता करने के लिए। और जब भी चूल्हा आपके भी घर में आता, सबसे पहले उसका थोड़ा पूजा करने के बाद ही उस चूल्हे पर कुछ भी बनाना शुरू किया करिए। वीडियो पसंद है सब्सक्राइब।